फिर इसके अलावा कुछ एविडेंस डॉक्यूमेंट्स जैसे कि एम्बेसी के साथ जो आपकी ई मेल हुई है आप उसका प्रिंट आउट ले लें आपकी जो वेडिंग है उसकी कुछ पिक्चर्स अपने साथ रख लें आपकी अपने पाउस के साथ जो चैट हिस्ट्री है आप उसका कुछ प्रिंट आउट ले लें और आपके पाउस मंथली आपको कुछ पॉकेट मनी भेजते हैं तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी साथ रख लें इसके अलावा आप अपने पाउस के पासपोर्ट का प्रिंट भी अपने पास रखें उनका जो सी है उसकी कॉपी और उनका जो स्वीडन का रेजिडेंस परमिट कार्ड है उसका प्रिंट आउट भी साथ तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट कैटेगरी की जो कि है बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एप्लीकेंट जी तो इसमें क्या क्या क्वेश्चंस किए जा सकते हैं जी इसमें हम आपसे पूछेंगे कि आपका नाम क्या है आपका कंट्रोल नंबर एंड आपका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है इसके अलावा आपकी ईमेल आईडी का भी पूछ सकते हैं फिर यह के, के आपने किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया है आपकी सोने और जागने की टाइमिंग्स क्या है तो आप ब्रेकफास्ट एंड डिनर में नॉर्मली क्या खाते हैं और आप किधर रहते हैं यानी अपने पेरेंट्स के साथ हैं या स्पाउस के पेरेंट्स के साथ हैं या सेपरेटली रह रहे हैं इसके साथ ही नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है स्पाउस इंफॉर्मेशन तो आप हमें बताएं कि उस से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चनिंग कर सकते हैं सबसे पहले तो आपसे पूछ सकते हैं कि आपके इस का नाम क्या है और उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है आपके पाउस का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है और उनकी ईमेल आईडी क्या है ये कि आपके स्पाउस के पेरेंट्स का एड्रेस क्या है उनके पेरेंट्स का नाम क्या है आपके स्पाउस के कितने बहन भाई हैं और उनके नाम क्या हैं, आपके स्पाउस किस सिटी से बिलोंग करते हैं वो स्वीडन किस जगह रह रहे हैं यानी एड्रेस क्या है और आपके जाने के बाद कहाँ रहेंगे उनके स्वीडन में कितने रूम का अपार्टमेंट है और रेंट पे है या अपना बाय किया है फिर जॉब से रिलेटेड भी कुछ चीजें हैं जैसे कि उनकी सैलरी क्या है जॉब डेजिग्नेशन क्या है और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और फिर ये कि वो किस कंपनी में जॉब करते हैं और किस सिटी में इसके अलावा वो आपसे पूछ सकते हैं कि उनकी फेवरेट डिश कौन सी है और फिर जब आपके किस शादी के लिए पाकिस्तान आए थे तो उनकी ट्रैवल टिकट और पासपोर्ट पर जो स्टम्प लगती है वो भी रिक्वायर कर सकते हैं इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है मैरिज यानी शादी के बारे में क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हैं इस पर भी डिटेल से बता दें यहाँ पर आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपकी शादी की डेट क्या है आप यहाँ निकाह की डेट बताएं क्योंकि वही डेट आपके एम पर होती है फिर ये की आपकी शादी घर पे हुई या कि किसी हॉल में हुई या किसी मजहबी जगह पे आपकी शादी किस सिटी में हुई आपकी पहली मुलाकात कब और कहाँ हुई आप किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू मिले ऑनलाइन या के किसी और तरीके से फिर ये वट अट्रैक्टेड यू टू तो योर यू फर्स्ट मैट इसके अलावा क्या आप शादी से पहले एक दूसरे को जानते थे आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी आपकी शादी किसी इमाम ने करवाई या किसी खतीब ने आप कितने अर्से से एक दूसरे को जानते हैं आपने कितना आर्सा एक दूसरे के साथ गुजारा है यानी शादी के बाद इकट्ठे रहे हैं लेकिन अगर आपका निकाह हुआ है और रस्ती अभी नहीं हुई है देन यू हैव टू तो कन्वेट प्रॉपरली कि आप इकट्ठे क्यों नहीं रहे इसके अलावा आप शादी के बाद कितनी देर इकट्ठे रहे हैं यानी आपके इस के स्वीडन जाने से पहले आप कितनी देर उनके साथ रहे हैं तो यह कि आपकी शादी की डेट मंथ और ये क्या है आपकी शादी में कितने गेस्ट थे ये आपसे कह सकते हैं कि शादी की कुछ पिक्स शेयर करें जो कि आप अपने साथ एक फोटो एल्बम साथ लेके जाए फिर वो पूछ सकते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं और उनकी क्या एज है उनके नाम बताएं उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और प्लेस ऑफ बर्थ क्या है जी तो so नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप तो इस पे क्या क्या क्वेश्चनिंग हो सकती है जी इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि आपका स्पाउस आपको, आपको मंथली कितने पैसे भेजते हैं और कैसे भेजते हैं आप उसे दें तो आप कोई भी जो बैंक स्टेटमेंट है जो आपको जब पैसे आते हैं तब उसको प्रूफ उनको दिखाएं या ये कि जब आपके पाउस ने स्वीडन से पैसे भेजे हैं तो वो वहाँ से कोई प्रूफ आपको भेज दें अच्छा इसके अलावा वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप दिन में या रात में आप किस टाइम में आपस में बात करते हैं क्योंकि पाकिस्तान और स्वीडन का जो है वो टाइम डिफ्रेंस है तो आप उनको बताएँ कि अब आप, आप कितने बजे दिन में और या शाम में आप कब कब उनसे बात करते हैं इसके अलावा वो आपसे पूछ सकते हैं कि कभी कोई ऐसा टाइम भी आया कि जब आपने उनके साथ कोई बात नहीं की और अगर कभी ऐसा हुआ तो फिर उसकी वजह क्या थी इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं कि आपके स्पाउस आपके साथ किस तरह से इंटैक्ट हैं लाइक आप उनसे किस तरह बात करते हैं व्हाट्सएप पे करते हैं फोन पे बात करते हैं स्काइप पे करते हैं वट इसके अलावा ये कि शादी के बाद आप पहले दफा आउटिंग पर कब गए थे और कहाँ गए थे और सबसे इंपॉर्टेंट एक ये भी चीज पूछी जाती है कि घर के काम आप कैसे मैनेज करेंगे जब आप स्वीडन आ जाएंगे क्या आपने डेली लाइफ के लिए अपने रोल्स डिफाइन कर लिए हैं यूजली यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो मियाँ और बीवी दोनों एक दूसरे की हेल्प करें घर के कामों में फिर बात कर लेते हैं स्वीडन रिलेटेड पर तो जी उस्मान इसमें यह हो सकता है कि वो आपसे पूछें कि आपने स्वीडन जाने के लिए क्या प्रेपरेशन की हैं आप स्वीडन के किस सिटी में जा रहे हैं और आप स्वीडन के वेदर के बारे में क्या जानते हैं अच्छा इन चीज़ों के बारे में आप अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन लेकर जाएं क्योंकि तो यहाँ का वेदर भी डिफरेंट है टाइमिंग भी डिफरेंट है और फिर ये कि वहाँ का कुछ कल्चर भी डिफरेंट है तो आप थोड़ा बहुत अपने पाउस के साथ इन चीज़ों के बारे में बात करें ताकि आप कोई अच्छा जवाब दे सके वहाँ पे जी तो लास्ट कैटेगरी आ जाती है फ्यूचर प्लान पे तो इसके बारे में क्या क्वेश्चन किए जा सकते हैं वो भी बता दें और साथ में ही टिप्स भी दे दें जी बिल्कुल ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत कॉमन है कि आप अपने आपको पाँच या दस साल बाद कहाँ देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आप ब्रेन करके जाएं इसके अलावा ये आपसे फैमिली प्लानिंग के बारे में भी पूछ सकते हैं तो थोड़ी सी प्रिपरेशन इसके बारे में भी कर लें अच्छा और तीसरा ये कि अगर आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आप क्या करेंगे यानी आप किसी और कंट्री में मूव कर जाएंगे या पाकिस्तान वापस चले जाएंगे या क्या करेंगे तो इसके बारे में भी जरा सोच के जाएं जी तो अब बात कर लेते हैं टिप्स पर जी टिप्स मैं आपको कुछ दे देता हूँ कि जब आपके स्पाउ स्वीडन आए शादी करके तो यहाँ आके फॉर कैटर वर्ग में अपनी वेडिंग को रजिस्टर करवा दें अच्छा दूसरा ये कि आप अपने पास अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और जो एविडेंस के डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने पास रखें और फिर ये कि एंड पे वो आपसे कह सकते हैं कि सारे जवाब रिपीट कर दें अच्छा इसके अलावा यह कि जो कज़न मैरिज है वो यूरोप में अच्छी नहीं कंसिडर की जाती तो अगर आप में से किसी की कज़न मैरिज है तो अगर आपसे इससे अगर सवाल हो जाता है तो उसके लिए भी पे होकर जाए इसके अलावा ये कि आप जब स्पाउसा के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ स्वीडन में आपके पास अकोमोडेशन लास्ट में होनी चाहिए और लास्ट ये कि आपके इस की जो सैलरी है वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए अदरवाइज रिजेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं

इसके अलावा किसी एविडेंस पे अगर क्वेश्चनिंग हो तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दें और उस पर कुछ कॉन्टेक्ट भी एक्सप्लेन कर दें अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं इंटरव्यू देने गई थी तो मैं भी कुछ नर्वस थी uh, लेकिन मैंने अपनी चीज़ें अच्छे से प्रॉपरली अरेंज की हुई थी इससे मुझे काफ़ी हेल्प हो गई थी और ड्यूरिंग इंटरव्यू मेरी कोशिश थी कि हर चीज़ को क्लियरली एक्सप्लेन कर दूं इंटरव्यू बेसिकली आपके और आपके स्पाउस के बारे में ही होता है मुझसे भी इन्हीं क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चंस किए गए थे बस आप एक दूसरे को अच्छी तरह से जान पहचान कर लें और कॉन्फिडेंटली आंसर करें इसके अलावा मैं आपसे शेयर करती चलू कि मैं हिजाब करती थी तो बायोमेट्रिक्स के टाइम पे उन्होंने मुझे require किया कि आप अपने कान कर दें और उस टाइम उन्होंने मेरी एक पिक्चर भी लेनी थी तो उन्होंने बोला कि आप अपना हेड भी अनकवर कर दें अगर आप भी हिजाब करती हैं तो मेंटली प्रिपेयर होकर जाए थैंक यू सो मच इसके साथ ही हम